ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं काव्या, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड 32 में और हम यहाँ पर लोगों से जानेंगे कि उनकी क्या क्या समस्याएं हैं। तो ये चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। मैम, यहाँ पे आपको क्या क्या परेशानियाँ हैं? वहाँ पर जाके देखिए क्या क्या परेशानी, आप जाके देखिए खुद, वहाँ पे जाके देखिए, उधर देखिए। नीचे है, जब हम लोग पानी गिराते हैं तो उसको बाल्टी से निकाल के तब बाहर फेंकते हैं, इतने गहरे गहरे हम सबके घर है, इधर नाली नहीं है। चलो, कोई सरकार इसके लिए कोई कदम नहीं उठाती है? नहीं, कोई कुछ नहीं करता। हम किसी के पास कंप्लेन लग जाते, कोई हमारी सुनवाई नहीं करता है। तो आइए चलते हैं और यहाँ पर देखने की स्थानीय लोग हमें यहाँ पर क्या दिखाना चाहते हैं, उनकी क्या क्या परेशानियाँ हैं। तो आइए चलते हैं। और आप यहाँ पे इस वक्त देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना कूड़ा पड़ा हुआ है, जिससे स्थानीय लोग जो है वो काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। हमारे पानी निकलने के लिए कोई सुविधा नहीं है, हमारा पार्क में एक कचरा काई बैठा हुआ है। इधर देखिए, हमारा पानी निकलने के लिए जगह नहीं है, नाली भी नहीं बना रहा है यहाँ पे कोई भी नहीं। आपने कभी शिकायत करी इसकी? बहुत, जो भी नेता आए हैं सारे नेता से शिकायत किए हैं, लेकिन हमारे झुग्गी की तरफ कोई नहीं आया है। अगर नेता के द्वार पे जाते हैं ना, तो नेता क्या बोलते हैं, भागो भागो यहाँ कोरोना पकड़ लेगा। तो नेता का कोरोना पकड़ रहा है तो यहाँ तो इंसान का भी कोरोना पकड़ेगा। नेता क्या जवाब देते हैं जब आप शिकायत लेकर जाते हो? नेता जवाब देते हैं, हम आपको बताते डिटेल में, हम लोग किसी भी चीज के लिए कंप्लेन लेके जाते हैं, हमें कहते हैं कि हम यहाँ से वोट नहीं जीते, हम खरीद के वोट जीते हैं। तो अब बताओ हम लोग किसके पास शिकायत लेके जाए, मोदी जी के पास जाए, केजरीवाल जी के पास लेके जाए कंप्लेन, किसके पास? जो छोटे छोटे सदस्य है उन्हीं के पास तो हम कंप्लेन लेके जाएंगे। एक बार जब वो नहीं सुनते तो हम किसके पास जाए, किसको वोट दे, हमें ये बताओ आप लोग। अभी जो मुद्दे चल रहे हैं, हाँ, जिन पे पार्टियां जो है वोट मांगने आई है, तो आप उन पे विश्वास रखते हो कि वो आपकी इस परेशानी का हल निकालेंगे? किसी पार्टी पर हमें नहीं विश्वास है मैडम जी, हम 15-20 साल से इसी नरक में झेल रहे हैं। जैसे हम 15-20 साल यही 15-20 साल जैसे झेले, वैसे हम 15-20 साल और झेलेंगे, चाहे ये साला टूटे या चाहे बने, हमसे कोई मतलब अब नहीं है। हम सबसे बहुत थक गए, हम लोग गंदगी में रह रहे और रहेंगे और क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ये बारिश आती है ना, हम सबके घरों में इतने इतने पानी भर जाता है इस रास्ते से, छोटे छोटे बच्चे लेके हम लोग कैसे पालते, वो तो हम लोग जानेंगे, आप लोग नहीं जानोगे। कौन सी पार्टी पे भरोसा है आपको? अभी तो किसी पे नहीं है ना, मगर कांग्रेस पे है, जो थोड़ा बहुत क्या, हाँ भाई क्या पता हमारी कर सकते हैं समस्या दूर, बाकी अभी तो किसी पे नहीं है। कांग्रेस ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से आपको उन पे भरोसा है? क्योंकि पहले उन्होंने बहुत कुछ किया है, झुग्गी झोपड़े वालों को झुग्गी भी दिलाए, करा है कांग्रेस ने, करा है, मगर जिस दिन से कांग्रेस सारी सुविधाएं दिए है, लेकिन हमें ये चीज कोई हमें दिलासा दिलाया कि हाँ ये हमारी कॉम्प्लेन सुनेंगे, ये हमारी प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। किस पार्टी ने आपको सुविधा दी है? हमें कोई, कांग्रेस जब 15-20 साल पहले रही होगी तो वही सुविधा दी होगी जो दी होगी, उसके बाद 15-20 साल से कोई कुछ नहीं दिया है। हम बताओ किस पे भरोसा करें आप? अरविंद केजरीवाल है, वो कहते हैं कि उन्होंने झुग्गी के लोगों के लिए बहुत काम किया है, तो यहाँ पे किया उन्होंने काम? क्या काम किया आप देख लो, अगर उनका काम किया होता तो वो छुपा तो लेते नहीं, हम पेट का बच्चा था नहीं जो हम 2-3 महीना छुपा लेंगे, या रोटी था नहीं खा के हजम कर लेंगे, काम करते तो आंख से दिखता जरूर आपको, क्या काम किया हमें बताओ। यहाँ पे आते हैं लोग आपकी मदद को सुनने के लिए, आपकी जो सुविधाएं? कोई नहीं आता मैडम जी, कोई नहीं आता। आज वोट है ना तो आज सब कोई दिख रहे हैं, आज सारे नेताएं दिख रहे हैं, सारे सब कुछ दिख रहे हैं, उसके पहले कोई नहीं दिखने आता है कि कौन है यहाँ पे, आदमी है कि हैवान है, कोई नहीं आता देखने। हमारे झुग्गी के लिए पानी निकलने का सुविधा नहीं है, पानी पीने का भी सुविधा नहीं है, यहाँ पार्क में कीटाणु है, हमारे बच्चे यहाँ खेलते हैं उनको बीमारी लग जाती है, नेता के घर जाते हैं तो उनको कोरोना पकड़ लेता है, वो अपने द्वार से भगा देते हैं, भाई अभी कोरोना है हमारे द्वार पे मत आइए। आपको किसी पार्टी पे भरोसा नहीं है? किसी भी पार्टी पे भरोसा, जब हमारा काम ही नहीं हो रहा है तो हम भरोसा किस पर करें? 20 साल से हम यहाँ पे हैं और 20 साल से एक भी काम नहीं हुआ है। आप भी मानिए कि अगर आपके कोई काम हो तो अभी तो भरोसा रखोगे ना, जब हमारा काम नहीं हुआ तो हम किस पे भरोसा रखें? जब 20 साल से 20 साल झोपड़ी में है, हमारे झोपड़ी के लिए कोई नेता सोचा कि चलो इनके झोपड़ी के लिए कभी सोचे, हमारे ये गंदगी के लिए सोचे कोई नहीं सोचे ना, हमारे नाली के लिए पानी निकालने के बाल्टी से पानी निकालते हैं पार्क में फेंकते हैं, नाली के लिए कोई नेता सोचा आज तक के?
कोई नेता नहीं सोचा है। जैसा कि हमने यहाँ पर आपको दिखाया कि यहाँ पर किस तरीके से गंदगी फैली हुई है और यहाँ के जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। इनका कहना है कि सभी पार्टियाँ सिर्फ वादे करती है और उनका जो काम है वो पूरा नहीं करती है। आगे देखना ये होगा कि जो प्रशासन है इनकी मदद करने के लिए कोई कदम उठाती है नहीं। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रही हमारे साथ, कैमरा पर्सन खुशबू के साथ काव्य दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर